नमस्ते दोस्तों। तो आज हम डेमन स्लेयर के कुछ फनी मोमेंट एंड मीम्स ट्राई करेंगे और ये पार्ट वन होने वाला है, तो लेट्स। सुना है कि इस वक्त हाशिरा की मीटिंग हो रही है। हाँ। यार मेरा कभी किसी अपर रैंक वाले से सामना क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारे नसीब में नहीं है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं ये? समझ रहे हो? अपनी जान गंवाए बिना तुमने दो अपर रैंक्स को हरा कर कमाल कर दिया। बात तो सही है। ये हाशिरा मीटिंग कगाया उबुयाशिकी की बजाय अमाने उबुयाशिकी यानी मेरी देखरेख में होगी। हम समझ गए। मेरे ख्याल से इस बात को आप सभी जानते हैं कि एक ऐसी डीमन हमारे पास है जिसने सूरज की रोशनी को जीत लिया है। 2 hours later. अपर फोर और अपर फाइव से लड़ते हुए मुझे बताया गया कि एक अनोखा निशान तुम दोनों पर बन गया था। निशान? वो सभी योद्धा जिन्होंने मुजान को लगभग हरा ही दिया था, ऐसा कहा जाता है कि उन सभी के शरीर पर बिल्कुल डिमोनिक पैटर्न्स जैसा निशान था। जब उस निशान वाला कोई इंसान सामने आता है तो उसके आसपास के लोगों पर भी वो निशान उभर आता है। हमारी पीढ़ी में उस निशान वाला पहला इंसान आ चुका है, लेकिन बस अभी तक वो हाशिरा नहीं बन पाया है। वो है तांजिरो कमाडो, क्योंकि वो खुद नहीं बता पा रहा था कि वो निशान कैसे बना। इस बारे में हमें बताओ मित्सुरी। लेडी अमानो कितनी सुंदर है। मुझे इतना याद है, मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया था और बेहद फुर्तीला। ऐसा लगा था फट जाऊंगी मैं। टेबल की बजा दी थी मैंने। अगर कुछ शर्तों को पूरा कर लिया जाए, और अब मैं बताता हूँ क्या और कैसे करना है। मुझे लगता है उस वक्त मेरा दिल एक मिनट में 200 बार धड़क रहा था। इतना ही नहीं, मेरा शरीर भी आग जैसा गर्म था। उस वक्त तापमान 102 डिग्री से भी ज्यादा था। उस समय मौत या जिंदगी मायने नहीं रखती। जिन पर निशान बन जाता है वो बच जाते हैं, जिन पर नहीं बनता वो मारे जाते हैं। वाह! अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, ऐसा भी क्या हो गया इसमें? तेरी गलती नहीं है, कम दिमाग वालों को हर बात छोटी ही लगती है। मन बुद्धि। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या बोला तू? कुछ नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? दुख होता है ये देखकर कि वो दो कौड़ी के डीमन यह राजाओं की तरह रह रहे हैं। बार की तरह आज एक और औरत अचानक से गायब हो गई। पूरी तरह से चौकन्ने थे, लेकिन फिर भी वो उसे उठा कर ले ही गए। चौकन्ने होते तो वो उसे ले ही नहीं जा पाता। हमें यहाँ पहुँचने में ज्यादा देर नहीं हुई है। चलो। कल रात ही इसे ठिकाने लगा देना चाहिए था। A few moments later. तुम दोनों यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन तुम यहाँ रहकर हमारी कमजोरी बनोगे। बचाओ मुझे। अरे ये क्या हो रहा है? कहाँ गायब हो गए ये सारे डीमंस? बाय बाय, टाटा, गुड बाय। डीजे वाले बाबू गाना बजा।